दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर है। तो आज हम लोग एक देखेंगे केस। HP 15 का बोर्ड है मेरे पास, ये नो पावर में है, किसी डीलर के पास से हमारे पास आया है। तो आइए मैं आपको डेमोस्ट्रेट करवाता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कि नो पावर ऑन, लास्ट में तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, किसी कस्टमर का होगा उनके। तो ये काफ़ी फेल्योर बोर्ड मैंने देखा है, जैसे कि आपका LAD 704 वगैरह होता है, बस उसी कैटेगरी का ये बोर्ड है। और मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, CPU बहुत बार शॉर्ट निकलता है, और इसका एरिया इतना गंदा क्यों हो रहा है। तो सारे उन्हीं के बोर्ड हैं मेरे पास यहाँ पर, और ये किसी अलग स्टेट से आए हैं, ये कुछ बिहार से आए हैं और कुछ UP से हैं और अहमदाबाद से हैं, अलग अलग जगह से बोर्ड आते रहते हैं। एप्पल के बोर्ड बॉम्बे से आए हुए हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम निकाल लूँ कि केस स्टडी कुछ बना दूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा मुझे गंदगी नज़र आ रही है, और पार्ट नंबर आप देख सकते हैं LA-E801 है। इसमें बहुत सारा मॉडल आता है, 901 भी आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सबका प्रोसेसर अलग अलग होता है, पार्ट नंबर जब चेंज हो रहा है, रिवीजन जब चेंज हो रहा है, तो यानी कि प्रोसेसर भी अलग अलग होगा। तो इसका बहुत ज़्यादा लगता है किसी ने इसके ऊपर पेंट पॉलिश पूरा किया है, लगता है दीपावली आने वाली है, तो पूरा ही इसके अंदर बर्जर पेंट से पेंट किया गया है इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कंडीशन क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग इंजेक्ट करते हैं पावर, लाइट जलता है कि नहीं, यस जल रहा है, और एम्पेयर का कंजम्पशन भी ठीक ठाक है। ये सस्पेंड मोड में भी जा रही है, तो कह सकते हैं कि IO और LDO एरिया सही है। अब रही बात कि ऑन हो रहा है कि नहीं, हो सकता देखने में तो गंदा लग रहा है, देखते हैं शायद ऑन ही हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं ऑन हो रहा है, ज़रा देखते हैं ऑन ऑफ पर वोल्टेज है। चूँकि इसमें इन जितने भी बोर्ड होते हैं HP के अभी जो आ रहे हैं, जैसे 701P, 704P, 703P, 702P या LAE सीरीज़ में जितने भी आ रहे हैं, इसमें आपको 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट यहीं पर दी हुई है, और ये आपकी सस्पेंड होती है, यानी आपको यहाँ पर 3-5 नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब ये बोर्ड ऑन होगा। पहले सस ऑन होगा, सस ऑन से आपकी 3-5 एक्टिवेट होगी। तो ऑन ऑफ पर वोल्टेज LDO की होती है, तो ये हमें बिल्कुल मिल रही है, और इसको जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये डाउन भी हो रही है, यानी लो हाई लो भी हो रही है, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है, तो यही कंडीशन है। तो हम कैसे चेक करेंगे इसको? अच्छा, इसके अंदर KB9022D लगी है और ये प्रोग्रामेबल है, ठीक है। तो LDO तो बन रही है, IO की सिग्नल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका मैं अपना यूज़ करता हूँ, बिना पावर के RTC में चेक करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये एक मैं कॉइन सेल अपना यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और तरीका ये है कि जब भी आप किसी बोर्ड को स्टार्ट करिए, तो चूँकि पहला नंबर ही RTC का होता है, तो RTC की वोल्टेज सही है कि नहीं, 2.7 और 2.7 बिल्कुल सही है। RTC रीसेट और SRTC रीसेट दोनों हमें सही मिल रही है। अब बारी आई 32 की, तो 32 किलो हर्ट्स भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको DSO को चलाने में प्रॉब्लम आती है, या अगर आपको DSO चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम टूल्स भी सेल करते हैं, IC भी सेल करते हैं, और लैपटॉप के पार्ट्स भी सेल करते हैं। हालांकि उसका नंबर, जो बगल वाला नंबर आपको दिख रहा होगा, वो फजल के नाम से, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको पार्ट्स चाहिए। अगर रिपेयरिंग ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर आपको बात करनी है, तो दिलदार सर का नंबर होगा और एक हमारे लैपटेक्स के ऑफिस का नंबर होगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो DSO को चलाने में अगर आपको तकलीफ होती है, तो आप ज़रूर आप इसका पर्टिकुलर वीडियो हमसे ले सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल सेटिंग पर, टेस्ट मोड पर चेक कर रहा हूँ, और देखूँगा कि क्या हमें 32 किलो हर्ट्ज मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। तो अब मैं एक बार इसको फिर से टेस्ट मोड पर चेक करूँगा, और ये देखिए हमें ना तो इनपुट पर और ना ही आउटपुट पर कुछ मिल रही है। देखें जरा क्या है ये, फ्रीक्वेंसी तो नहीं है ये, ठीक है। हालांकि टाइम बहुत कम है, 20 मिली वोल्टेज है,
तो ये कुछ भी नहीं है, ये इसको आप बोल सकते हैं नॉइज, बोल सकते हैं आप इसे, ये एक नॉइज है। तो हमें यहाँ पर ये काम नहीं कर रही है। और अगर आप गौर से देखें तो मुझे भी कुछ लग रहा है यहाँ पर, कुछ लोचा लग रहा है। ये देखिए शीशा टूटा हुआ है, घिसाई निपाई पोताई होने पर इसका ये शीशा टूटा है। अब हो सकता है कि शीशा टूटने की वजह से भी, चूँकि क्रिस्टल के अंदर एक वेफर होता है और ये वेफर जो है एक सर्टेन करंट मिलने के बाद ये एक वेव फॉर्म जनरेट करता है। जनरली ये वेव फॉर्म साइनसोइडल वेव में मिलेगा आपको। और अगर ये साइनसोइडल वेव नहीं जनरेट कर रहा है तो दो चीज़ हो सकती है, चाहे तो आपकी करंट ये पीसीएच नहीं निकाल रहा है, या दूसरी क्या हो सकती है, ये रिसीवर ख़राब हो गया, यानी कि जो क्रिस्टल है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस करंट को। तो सबसे पहले तो तरीका यही है कि क्रिस्टल को ही हम चेंज करके देखेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि फिजिकल भी दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर उसके बाद भी हमें नहीं मिलती है तो हम कह सकते हैं कि कोई एक आरटीसी की सिग्नल वो सही काम नहीं कर रही है, या अगर सारी सही काम कर रही है तो इसकी जो मेमोरी होती है 256 बिट की जो मेमोरी होती है मोटरोला की, वो ख़राब हो गई है। सिंपल है, अगर वो ख़राब हुई है तो पूरा यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर ये सही है, क्रिस्टल ख़राब है, तो क्रिस्टल चेंज करने के बाद हमें 32 किलोहर्ट्ज़ मिल जाएगा, बोर्ड ऑन हो जाएगी। तो सिंपल है, ये सिंपल तब होता है आपके लिए जब हमें ये पता होता है कि क्या चाहिए हमें बोर्ड में, बस दैट्स इट। अगर ये पता नहीं है हमें कि इसका रोल क्या है, क्यों चाहिए, क्या करती है ये, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर तुक्के में हम चलाएंगे और तुक्का जो है लेटेस्ट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो इस क्रिस्टल के बारे में मैं एक पॉइंट और आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, वो ये कि जो अभी चौकोर वाले प्रोसेसर आ रहे हैं, यानी जिसको आप बोलते हैं डुअल कोर सेलरॉन, उसमें ये 19 MHz है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये नॉर्मल क्रिस्टल नहीं है जो 24 वाली हम लगाते हैं। यहाँ पर तो 32 किलोहर्ट्ज़ लगती है, उसके अंदर जो सिस्टम क्लॉक यूज़ होती है, सिस्टम क्लॉक में जैसे यहाँ पर अभी 24 लगी होगी, 24 या 25 लगी होती है, वहाँ पर जो आपको ये वाली क्रिस्टल सिस्टम क्लॉक होगी वो 19 MHz आपको यूज़ मिलती है। तो ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो RTC की क्रिस्टल है ये 32 किलोहर्ट्ज़ की है, 32.768, और इसके पास दो कैपेसिटर लगे होते हैं जिसे कि रेजोनेंट कैपेसिटर कहते हैं, और इसके पास एक 10 MΩ की रजिस्टर होगी जो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में होगी, यानी ओपन होती है ये, ठीक है। हमें अगर इनपुट पर मिलेगी तो थोड़ा सा क्या होता है, उसका सॉटूथ फॉर्म में मिलेगा इनपुट, जब हम DSO पर देखेंगे तो सॉटूथ फॉर्म में मिलेगा, और आउटपुट पर जो है उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और आपको साइनसोइडल वेव मिलेगा और उसकी एम्पलीट्यूड बड़ी भी मिलेगी। तो ये क्या करता है, इसके एम्पलीट्यूड को मैग्नीफाई कर देता है। तो अगर आपको जानना है कि पूरा कंसेप्ट RTC सेक्शन का और PCH कैसे कम्युनिकेट करता है IO के साथ, तो आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी लोड बहुत ज़्यादा है हम लोगों के पास, मेरे पास भी और दिलदार सर के पास भी, चूँकि अभी ऑनलाइन का सीज़न है और लोगों का लैपटॉप ख़राब होता है तो उसका प्रेशर होता है हमारे पास। तो आप व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिए, जो भी क्वारीज है आपकी या जो जो सीखना चाहते हैं आप, वो व्हाट्सएप कर दीजिए, तो जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो अभी मैं इसको ऑन नहीं करता हूँ, मैं सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखा रहा था पहले, अब मैं फिर वही चीज़ दिखाऊंगा क्या ये सही हुआ या नहीं। अगर हमें 32 किलोहर्ट्ज़ मिलेगी तो मैं ऑन करने की अभी ट्राई नहीं करूँगा, यानी ऑन करना भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि हमें ये बात तो पता चल चुकी है कि क्या चाहिए, ठीक है। तो अब इनपुट और आउटपुट तो चूंकि ना तो इस बोर्ड का डायग्राम है, जैसे ये मॉडल दिखा रहा हूँ मैं आपको LA-E801P, तो हो सकता है कुछ इंडिया में स्पेसिफिक लोग हैं जिसके पास हो सकता है ये डायग्राम हो, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तुक्के से चेक करूँगा कि ये इसको मैं मान रहा हूँ एक नंबर पिन। और अभी मैंने सिर्फ पावर लगाया है RTC के थ्रू, और अब मैं इस पर इसे मैं सेट करता हूँ टेस्ट मोड पर। तो आप देखिए ये मुझे 32 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी अब ये दे रहा है, ठीक है। ये तो मैं इनपुट चेक कर रहा हूँ, चूँकि देखिए थोड़ा फॉर्म जो है ना, इसको मैं हटा देता हूँ कर्सर को, ठीक है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ ताकि आपको दिखे सही से, मेज़र को आकर दिखा देता हूँ। 32 किलोहर्ट्ज़ मुझे सही मिल रही है।
तो ये जो आपको नॉइज़ नज़र आ रही है, ये नॉइज़ का रीज़न क्या होता है कि आपका, देखिए मैं ग्राउंड कैसे रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, ग्राउंड की मैं दूरी बहुत ज़्यादा है, वायर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है। और एक तो दूसरी बात ये है कि ये एक एंट्री लेवल का DSO है, जो कि ठीक है, काम चलाने के लिए सही है। अगर इससे अच्छा चाहिए आपको तो 2 GHz/s आप लीजिए, या आप क्या करिए 200 MHz ले लीजिए। तो अगर आप टाइम डिवीजन को 2 GHz/s करेंगे तो DSO आपकी जो है काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी। तो आप 200 MHz एक सही प्राइस में ले सकते हैं। तो एंट्री लेवल में ये 20 से 22 हज़ार का DSO होता है, जिसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चूँकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप DSO सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, इसलिए कि बोर्ड को चलने के लिए पावर के साथ साथ रीसेट और सिग्नल की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप सिर्फ अभी तक पावर लेवल पर काम करते हैं, रीसेट लेवल और सिग्नल लेवल पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, इंशाल्लाह आप भी आराम से सीख जाएंगे। तो अब चलिए इसका हम चेक करते हैं आउटपुट। तो ये देखिए जो फॉर्म है, एक तो इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको स्टेबल कर देता हूँ, मेरा ट्रिगर पॉइंट भागा हुआ है, ठीक है। अब जी भागे उछलेगा नहीं ये, और इसको मैं थोड़ा टाइम, इसको जैसे देखना है आप इसको वैसे देख सकते हैं, जैसे चाहेंगे आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए कट रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसा किया, फिर से मैं इसको ऑटो पर कर देता हूँ, तो नॉर्मल जैसे दिखा रहा था वो दिखाएगा, ठीक है। ये हिल गया मेरा, तो ये देखिए भागा हुआ है, ऊपर दिखा रहा है। तो इसको मैं मैन्युअली एडजस्ट भी कर सकता हूँ, अभी मैं आपको मैन्युअली एडजस्ट करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए मैं इसको मैन्युअली एडजस्ट कर सकता हूँ कि आपको छोटा देखना है, बड़ा देखना है, किस टाइम के साथ, किस फ्रेम के साथ देखना है। तो हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई है, तो आप देख सकते हैं ये इसका वेव फॉर्म है, साइनसोइडल वेव फॉर्म है, 32 KHz फ्रीक्वेंसी है। ये मुझे चाहिए था RTC पर, अगर ये ना मिले तो आपका बोर्ड, आप समझ लीजिए कि उसकी हार्ट नहीं चल रही है। अगर हार्ट नहीं हो तो वो कंप्लीट डेड है। डेड होने का तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि जो है आपको जो है पावर नहीं मिल रही हो, या आपकी रीसेट प्रॉपर नहीं हो, या आपकी सिग्नल प्रॉपर नहीं हो। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके आप कह सकते हैं कि आपका बोर्ड ठीक होगा। तो अगर पावर लेवल पर अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो दैट इज़ नॉट ओनली इनफ, वही काफ़ी नहीं है कि 3-5 बना लेंगे तो बोर्ड ठीक हो जाएगा, या IO चेंज कर लेंगे तो बोर्ड ठीक हो जाएगा। पहले आपको ये समझना पड़ता है कि रीसेट क्या है और क्यों है, और उस वो चेक कैसे होती है। दूसरी बात ये है कि सिग्नल्स, तो सिग्नल्स का एक अपना इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसका इम्पॉर्टेंस क्या है कि भाई वो एक जब किसी चीज़ से बात करती है तो वो उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि कितना देर वो रीड करेगी, कितना देर वो राइट करेगी। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में ही मिलेगा, तो आप उसका भी वीडियो हमसे ले सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। तो अब मुझे तो सारी चीज़ मिल गई है, रीसेट भी हमारी अवेलेबल है, और हमारी जो है 32 KHz फ्रीक्वेंसी भी मिल रही है। अब मैं इसमें पावर डालता हूँ, कंजम्पशन तो वही है, अब ऑन करके देखते हैं। तो ये मैंने इसको ऑन किया, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही इजी केस था। हालांकि इजी वो सारी चीज़ें आपके लिए इजी होगी जिसे आप समझते हैं, जैसे अगर आप DC इन में 19 वोल्ट एंट्री नहीं होती तो वो आपके लिए इजी होगा। इतना वीडियो हम लोगों ने डाला है, और मेरे बहुत सारे कलीग ने और बहुत सारे फ्रेंड ने डाला है वीडियो यूट्यूब पर, वो देख करके भी आप, और करते करते भी थोड़ा आप हैबिचुअल हो गए हैं, तो 19 वोल्ट को बनाने में तो अब ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती किसी को। 3-5 भी हम लोगों ने ये कोशिश की है कि इतना वीडियो डाला है कि वो भी आपको, आप ट्रिप वगैरह भी तो आप कॉमन हो गए हैं बात, पहले तो ट्रिप की कोई बात भी नहीं करते थे। तो जो चीज़ें आप रोज़ कन्फ्रंट करते हैं, रोज़ करते हैं, तो वो आपके लिए अब कॉमन हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लोग कम बताते हैं, कम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो प्रोसेसर होती है, प्रोसेसर के पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है और किस सिग्नल के थ्रू जाती है, यानी PCS से अगर हम किसी एक ऐसे बोर्ड के बारे में बात करूँ मैं कि जो कि जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, जैसे ये 3521 का बोर्ड है, तो इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है,
वो फ्रीक्वेंसी क्या है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा वो फ्रीक्वेंसी क्या है और वो किस सिग्नल के थ्रू यहाँ जाती है। पीसीएस से जाती है सीपीयू के पास, वो सिग्नल का नाम अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन नहीं है, क्योंकि आपने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लोग आपके साथ ये डिस्कस नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको भी पता नहीं होगा ये बातें। आपको ट्रिप के बारे में भी लोग पहले कम बात किया करते थे, जब से दिलदार सर ने और हम लोगों ने एफर्ट किया उसके बारे में समझ करके लोगों को बताया, तो अब कॉमन हो गई कि ट्रिप पर वोल्टेज मिल रही है कि नहीं, टाइम ऑन सेलेक्ट पर वोल्टेज मिल रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो कॉमन हो गई हैं। अनकॉमन क्या है, ये सब चीज़ अनकॉमन है जो अभी तक लोग नहीं समझते हैं मेरे ख्याल से, या जो समझते हैं तो वो शेयर नहीं करते होंगे, शायद ये बात भी हो सकती है, वो एक टॉप सीक्रेट में से होगा, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रोसेसर को चलने के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, वो फ्रीक्वेंसी कैसे मिल रही है इसे और किस सिग्नल के थ्रू मिल रही है। अगर ये बात आप जानते हैं तो ज़रूर शेयर करिए, जो कमेंट है उसमें कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि लोगों को भी पता चले, नहीं तो इंशाल्लाह कभी मेरे पास वैसा केस आएगा तो मैं आपके सामने बना करके ज़रूर पेश करूँगा। ठीक है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि वो कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने वीडियो मॉड्यूल में बता रखी है, तो काफ़ी एडवांस लेवल का भी उसमें ट्रेनिंग है, बेसिक से एडवांस तक, डायोड से लेकर के सीपीयू तक की कम्युनिकेशन हमने कोशिश की है कि बता दो उसके अंदर। तो ये बोर्ड ऑन तो हो रहा है, अब हम लोग चलते हैं देखते हैं कि क्या ये डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं इसको TSO पर लगा दिया मैंने USB और ऑन करता हूँ मैं, तो ये ऑन हो गया है और CMOS बैटरी भी लगा हुआ है, चलिए कोई नहीं, मेरे पास डिस्प्ले केबल नहीं है इसका, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता, तो आपने भी देखा हालत की। अच्छी बात है कि इसने मुझे DC जैक के साथ ही भेजा है बोर्ड और रैम के साथ ही भेजा है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं उनका देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ चुका है सक्सेसफुली कनेक्टेड, तो उन लोगों का वीडियो उन लोगों का लैपटॉप देखना और बोर्ड देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ जिसका कि DC जैक और पूरा कंप्लीट आया है, कम से कम इतना सामान देख रहे हैं जितना, अगर इतना आता है तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ देखने के लिए, नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट पर, जैसे देख सकते हैं उधर वो सब वेटिंग लिस्ट पर है। ठीक है, बाकी ये सब इतना लोड है, मुझे भी करना है, लोड थोड़ा ज़्यादा भी है क्योंकि ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लोग को जो है एक गिवन टाइम में ही, कुछ लोग तो चाहते हैं कि एक दिन में ही या हैंड टू हैंड ये हो जाए रिपेयर, और हमारी भी कोशिश रहती है कि किसी तरह से करके दे दूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे घर में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो उसे भी ज़रूरत होती है लैपटॉप की, तो लेकिन ये सब के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक साथ तो मैं सारी चीज़ नहीं कर सकूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करिए और अपने कॉमन ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरे भी इसका एडवांटेज उठा सके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हम लोग हर हफ्ते एक वीडियो डालते हैं और जो आपके फ़ायदे के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।